वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ओंकार सिंह 3003। हम कंप्यूटर के लिए पूरे ही वीडियो मिलेंगे जो हमारे प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अगर आप इन्हें नोट भी करते हैं तो आप प्रैक्टिकली हम फिर बताएंगे, पहले कंप्यूटर की थ्योरी टोटल ही कराएंगे। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर जो बोले जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का सी से कॉमनली ओरिएंटेड मशीन प्रॉपरली यूज टू ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च। कंप्यूटर की डेफिनेशंस हैं ये, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनुपलेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सबसे छोटी डेफिनेशन है। सेकेंड नंबर डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन विच वी इनपुट द डाटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिवन आउटपुट एज रिजल्ट। कंप्यूटर की परिभाषा जो हिंदी में, कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को संशोधित करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की 1945 से 1954, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1966, थर्ड जनरेशन 1967 से 1975, फोर्थ जनरेशन 1976 से 1995, फिफ्थ जनरेशन 1995 से प्रेजेंट टाइम तक। अब फिफ्थ जनरेशन चल, कुछ फैक्ट्स हैं ये, जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, जिसका एरिया होता था कंप्यूटर का 5000 वर्ग फुट। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, जिसका एरिया होता था 50 वर्ग फुट। थर्ड जनरेशन में हम आईसी का यूज़ करते थे, इंटरग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में हम एएमसी का यूज़ करते थे। फिफ्थ जनरेशन में हम सेमिस्टर का यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो, जिसे टेम्पर प्रेस और लेनिस्टिक घनत्व बोलते हैं। हाइपर कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर होता है। अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग डाटा की प्रोसेसिंग करता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी के रूप में इनपुट स्वीकार करता है डिजिटल। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल, वो एनालॉग के डाटा को भी प्रोसेस करते हैं और बाइनरी के रूप में इनपुट भी स्वीकार करते हैं। ऑन ऑफ द बेसिक ऑफ साइज, नंबर वन मैनी फ्रॉम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप और टॉप ये आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ये चार प्रकार के होते हैं, स्पीड, डाटा स्टोरेज और एक्यूवेंसी। एक्यूवेंस माने सटीक जानकारी देते हैं, और वर्सेटाइल माने बहुमुखी होते हैं। डिजिटेंस माने न थकने वाले होते हैं। फंक्शन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, फंक्शन जो यूज होते हैं, जैसे इनपुट, इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हमारे उपकरण आते हैं, जैसे टच स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, जैक वाल, जेस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको OMR बोलते हैं, OCR ऑप्टिकल कोड रीडर, MICR मैग्नेट इंक कोड रीडर। ये तो इनपुट वो होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में कमांड, यानी कि कंप्यूटर को बताया जाता है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जैसे प्रिंटर और मॉनिटर्स के द्वारा और स्पीकर के द्वारा ये हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हम अपना डाटा कंप्यूटर के लिए इनपुट द्वारा डालते हैं और सीपीयू द्वारा प्रोसेस होकर आउटपुट द्वारा जो प्राप्त होता है। उन आउटपुट उपकरणों का नाम है प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स आते हैं। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम सूचना या डाटा को सीपीयू प्रविष्ट करते हैं। एंटर डाटा इनटू सीपीयू बाय द इनपुट डिवाइस।
डाटा एंटर जो किया जाता है सीपीयू में वो इनपुट डिवाइस द्वारा ही किया जाता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल यूनिट जो होती है कंप्यूटर की वो इनपुट आउटपुट सीपीयू डाटा स्टोरेज ये होती हैं। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट ये जिसे सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू दो पार्ट से बनता है, सीयू और एसीयू। सेंटर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, डाटा स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, ये रैम है और ये रोम, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम को, रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, सीडी, पीडी, डीवीडी, अब इनके स्टोरेज। हार्ड डिस्क 64 GB की होती है और फ्लॉपी डिस्क 2 TB की होती है, और सीडी 720 MB की, पीडी 256 MB की, डीवीडी 459 GB की।